नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश सिलैच आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। निम्नलिखित फलन के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्व टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई कॉमा पाई, जिसे कहा मैंने क्वेश्चन नंबर वन। एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू हमें माइनस एक्स प्राप्त होगी। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्व टू माइनस, इस एक्स के स्थान पे मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ, और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। हमारा जो एफ एक्स है वो विषम फलन है। और अगर एफ एक्स विषम फलन है देन देन फूरियर सीरीज, तब हमारी जो फूरियर श्रेणी है उसका जो फॉर्मूला है वो हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स इक्व टू सिग्मा एन इक्व टू वन टू इन्फिनिटी। अब ये हमारा ऑड फंक्शन है, विषम फलन है, तो हमारे राइट हैंड साइड में भी जो ऑड टर्म्स हैं विषम फलन के जो पद हैं वही आने चाहिए, और हम जानते हैं कि जो साइन टर्म है वो ऑड फंक्शन होता है, तो हमें सिर्फ साइन की टर्म्स मिलेंगी, ज्या के पद मिलेंगे, तो बी एन साइन एन एक्स। इसे कहा मैंने क्वेश्चन नंबर टू। और रीजन है, सिंस जो ऑड फंक्शन होता है उसके लिए ए जीरो जीरो होता है एंड ए एन है वो भी जीरो होता है, एन बिलोंग्स टू एन या एन इक्व टू वन कोमा टू कोमा थ्री कोमा डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा फूरियर सीरीज का फॉर्मूला हो गया, यानी हमें सिर्फ बी एन कैलकुलेट करना है। अब हम बी एन ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं कि बी एन इक्व टू वन अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई लिख के फिर दो से गुणा कर सकते हो, और चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो। मैं एक बार पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ, माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। और चूंकि ये फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है, ये हमारा ऑड फंक्शन है, तो ये कंप्लीट फंक्शन है, वो इवन फंक्शन हो जाएगा, यानी हमारा ये कंप्लीट फंक्शन समफलन हो जाएगा। और अगर ये समफलन है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बी एन इक्व टू टू अपॉन पाई जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो जब भी ऑड फंक्शन हो तो हम ये बी एन का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और एन की वैल्यू है वन कोमा टू कोमा थ्री कोमा डॉट डॉट डॉट। अब बी एन बराबर हमें मिलेगा टू अपॉन पाई जीरो टू पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स, तो एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इसके बराबर होगा टू अपॉन पाई, इसे मैंने कहा फर्स्ट फंक्शन, इसे कहा मैंने सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडशह समाकलन से इसकी वैल्यू जाएगी फर्स्ट बार सेकंड का इंटीग्रेशन, तो माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन अल्टरनेट साइन, फर्स्ट जो ब्रैकेट है इसका डिफरेंशिएशन तो वन, सेकंड जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन जो है साइन एन एक्स, माइनस साइन पहले से एज इट इज रहेगा अपॉन एन, और एक एन पहले से है तो एन स्क्वायर। इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो होगी जीरो टू पाई। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो मुझे मिला टू अपॉन पाई माइनस एक्स कोस एन एक्स अपॉन एन प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, और इंटीग्रेशन की लिमिट है जीरो टू पाई। इसके अलावा टू अपॉन पाई, पहले अगर मैं अपर लिमिट रखूं तो माइनस पाई कोस एन पाई अपॉन एन, यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो साइन एन पाई, और साइन एन पाई जीरो होता है तो जीरो अपॉन एन भी जीरो, माइनस लोअर लिमिट जीरो रखेंगे तो ये जीरो होने के कारण कंप्लीट जीरो जाएगा, और यहाँ जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो होने के कारण कंप्लीट जीरो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो मुझे मिलेगा माइनस टू कोस एन पाई अपॉन एन,
और कोस एन पाई की वैल्यू होती है माइनस वन की पावर एन, तो टू इंटू माइनस वन की पावर एन अपॉन एन। तो ये हमें बी एन की वैल्यू मिल गई, जहाँ एन इक्वल्स टू 1, 2, 3, ... इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी एन इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में बी एन का मान रखने पर वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 to ∞, और बी एन की वैल्यू हमारे पास माइनस टू इंटू माइनस वन की पावर एन अपॉन एन साइन एन एक्स। इसमें अगर मैं माइनस टू कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा माइनस टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 to ∞ माइनस वन की पावर एन साइन एन एक्स अपॉन एन। यदि एन बराबर 1 पुट करें तो मुझे मिलेगा माइनस साइन एक्स अपॉन 1, यानी माइनस साइन एक्स। 2 पुट करेंगे तो जब भी माइनस 1 की पावर एन होता है तो अल्टरनेट साइन आते हैं, तो प्लस साइन साइन 2x अपॉन 2, सिमिलरली साइन 3x अपॉन 3 प्लस 4 ... अगर माइनस कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 2 इंटू साइन एक्स माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x अपॉन 3 माइनस ... तो ये हमारा फाइनल आंसर है, जो हमारी ऑड फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स, उसके लिए फूरियर सीरीज।